एचपी पटवारी, सुनिए पूरा सच फोन कॉल के जरिए, चैनल के साथ पूरी बातचीत। दोस्तों, अभी हाल ही में जो एचपी पटवारी का एग्जाम हुआ था उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई थी। ज्ञानम ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था एग्जाम 16 को था या 17 को। दिस ऑल वॉज बेसिकली द स्टूडेंट्स क्वेरी। ज्ञानम डेफिनेटली हाईलाइटेड दिस इशू, बट द मेन थिंग लाइड हेयर, कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ चैनल्स या यूट्यूबर्स को ये बात समझ नहीं आई। दे थॉट कि हम उनको डीफेम कर रहे हैं या फिर उनका नाम ले रहे हैं। ज्ञानम इज सेंसिबल इनफ कि हम किसी का नाम ला लें, ना ही किसी चैनल के नाम को हाईलाइट करें। बेसिकली स्टूडेंट्स की क्वेरीज को हाईलाइट करना ही ज्ञानम का मेन फोकस था। वी गॉट एन नंबर ऑफ क्वेरीज बाय द स्टूडेंट्स दैट ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस का क्वेरी था उनको, उनको जेबीटी वाले जो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे उनका क्वेरी था, और उन्हीं में से एक क्वेरी उभर कर ये आया था कि एग्जाम जब 17 को हुआ तो ये आंसर की 16 को कैसे आई। None of this published thing was highlighted in the video by any channel's name. Gyanam has always responded to the students' queries, and this could be seen in the recent videos too. We have done all sorts of things, including the never owned platform that is the RBI Assistant, Stats, Steno, PSPCL, LDC, and PSPCL. Revenue accountant. All these videos have been provided to our subscribers for absolutely no cost. ये जो चीजें हैं, ज्ञानम इन चीजों को अच्छी तरह जानता है और डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स के हित में ही खड़ा था। रोल नंबर्स डबल इशू होना, रोल नंबर्स का टाइम पर ना आना, स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं देखना, बहुत सारे इश्यूज थे और यही सब इश्यूज अखबारों में भी आए थे। ना तो ज्ञानम ने किसी का नाम लिया, ना ज्ञानम फोकस था अपनी लाइमलाइट को बढ़ाने के लिए। विथ गॉड्स ग्रेस ज्ञानम इज डूइंग वेरी वेल एंड ये आगे भी करता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता है तो एक्चुअली में एक चैनल का हमको फोन कॉल आया था, विदाउट एडिटिंग एनीथिंग नॉर नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट चैनल, हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड में वो वीडियो, वो ऑडियो आ गई। तो उसी ऑडियो को ज्ञानम अब हाईलाइट कर रहा है, और जो आप अगली ऑडियो सुनने वाले हैं वो बेसिकली उसी चैनल के साथ मेरी बातचीत है। ज्ञानम का मेन मोटिव ही स्टूडेंट्स का था, है और रहेगा और आगे भी रहेगा। इनफैक्ट आप ऑडियो में सुन भी पाएंगे, ज्ञानम बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए शुरू से ही खड़ा है, और वी वांटेड टू जॉइन हैंड्स विद ऑल द इंस्टीट्यूट्स, ऑल द चैनल्स, सो दैट वी कैन मेक अ बेटर फ्यूचर फॉर आर स्टूडेंट्स। हमको कुछ मिलेगा नहीं अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर होगा, द इनर सैटिस्फैक्शन स्पीक्स अ लॉट। You can check this on the Gyanam website. You can check this in our magazine, which has got near about 50,000 readers. So this all can be seen in that. We need not highlight anything such like this. So defame to dur ki baat hai. So the next recording that is there up to you is of Gyanam with that channel. That channel called Gyanam and highlighted some various stuffs. So you can listen to that. हाँ जी सर। हाँ जी। रिसेंटली वीडियो बनाया आपने एक कि एचपी पटवारी है जो 16 को हुआ है फिर 17 को हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया, राइट। हाँ जी, तो सर उसका समझ नहीं आया कुछ मुझे, क्या हिसाब किताब था वीडियो बनाने का, क्या मतलब आपका उद्देश्य था? मतलब ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये सर कि देखो आपका चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर। हाँ जी। तो इतना आपको पता ही होगा कि उसमें 12 या 14 घंटे पीछे चलता है समय यूट्यूब पर, यूएसए के हिसाब से।
ओके एक तो चैनल था एचपी स्टडीज, उसने एचपी सबसे ऐसा तो पहले कुछ नहीं है आंसर, सर, चैनल तो कोई नहीं था। एचपी स्टडीज चैनल है सर एक, उसने सबसे पहले आंसर की अपलोड कर दी थी, उसका एग्जाम हुआ ही पटवारी का, और उसके बाद तुरंत अपलोड कर दी। नहीं बता, हमारी और वीडियो में तो सिर्फ एक डेट दिखाई गई है, कोई चैनल चुनल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें शुरुआत आपसे, आपके चैनल से ये हुई कि एग्जाम 16 को हुआ या फिर 17 को हुआ। हाँ बट इसमें कोई, ये जो आप चैनल स्टडी, कौन सा चैनल कह रहे हैं चलो एक्स आप? वाई जेड कोई भी चैनल है, लेकिन हाँ पर ये आपके, स्टडी स्टडी वाला चैनल, तो ऐसा तो कुछ चैनल आया ही नहीं हमारी वीडियो में। ओके तो हाँ आपने देखी है वीडियो हमारी? उस वीडियो ने फिर ज्यादा आग पकड़ ली आगे आगे, क्या पकड़ लिया जी? और आग पकड़ ली सर, फायर फायर फायर? एफ नहीं आई आर ई। अरे सर, एक क्वेश्चन ही पूछा है हमने तो जनता से, वो तो हमारे व्यूअर्स हैं, हमने क्वेश्चन देखो पूछा सर था। आपका चैनल है यूट्यूब पर, आपको इतना तो पता ही होगा कि हाँ ठीक है यूट्यूब का 12-14 घंटे पीछे रहता है, यूट्यूब तो यूएसए बेस्ड है। तो मैंने अगर वीडियो अपलोड कर दिया वहाँ पे अपने चैनल के ऊपर, आपका आपका वीडियो अगला आ गया कि हाँ ये बंदा जो है हो सकता है इसने 16 को ही कर दिया हो, हमारा और ऐसा कोई पहले ही क्वेरी नहीं था, हमारे को किसी ने क्वेरी किया तो हमने सिर्फ वो क्वेरी ओके आगे ओके फॉरवर्ड किया कि भाई ये बाकियों का, आपका जो आंसर किया, जैसे हमने अपलोड किया आंसर कि हमारा 17 को था, तो बाकियों ने सिर्फ क्वेरी किया कि आपका क्यों नहीं आया। तो मैंने बोला जब एग्जाम 17 को था तो उन्होंने हमारे को स्क्रीनशॉट भेजा ना, उस स्क्रीनशॉट में ये जो चैनल स्टडी स्टडी वाला जो चैनल आप बोल रहे हैं ना, वो है ना कुछ और है, उसमें तो सिर्फ डेट हाईलाइट किया है जिस स्टूडेंट ने हमको चलो सर भेजा। वो एक्स वाई जेड, चलो छोड़ो उसको छोड़ो, लेकिन आपने उसकी वेरिफिकेशन करी जरा भी, मतलब उसका वीडियो बनाने के पीछे कोई मतलब कारण हो। सर हम वेरिफिकेशन तब करेंगे ना अगर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने तो किसी को पॉइंट आउट किया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ एक व्यूअर से क्वेश्चन पूछा है 16 है या 17 है, क्योंकि वीडियो में 16 शो कर रहा है वो 17 है बस, हमने तो सिर्फ ओके okay. पॉइंट आउट किया ना सर, हमने तो ना कोई चैनल पकड़ा। जा आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं बाय द वे? हिमाचल हिमाचल से हूँ सर मैं। से हैं तो मतलब आप क्या स्टूडेंट हैं या क्या करते हैं? सर स्टूडेंट हूँ, टीचर भी हूँ अच्छा स्टूडेंट भी है टीचर भी है, ओके ओके। टीचर दोनों हूँ। कहाँ पर तो है सर आप? हुआ क्या कि मैंने मतलब 1 बजे के आसपास वीडियो अपलोड किया वो वाले, और यूट्यूब की 14 घंटे पीछे चलती टाइमिंग, तो उसमें 16 फिर डेट आ गई उसके ऊपर। बट सर और इतना टाइम पीछे नहीं चलता है कि आप 10 10 12 12 घंटे नहीं नहीं पीछे सर, जाता है टाइम? अब मेरे तो ऐसा ऐसी हो गई है, मुझे तो जांच करनी पड़ रही सब कुछ A to Z। अरे सर तो देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कह रहे हो कि शायद ये जो स्क्रीनशॉट जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा, मान लो ये आपके चैनल का है, मान लेते हैं अगर आप फोन कॉल कर रहे हैं मुझे। नहीं सर आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं कि ये आपकी गलती है नहीं कुछ नहीं भी है, बोलेंगे तो लेकिन क्या, मेरी बात तो सुने ना सर एक बार। मान लो ये आपका है चैनल, ठीक है, आप कह रहे हैं ना आपने ये अपलोड 17 को किया है, तो बस प्रॉब्लम ही क्या है? हमने तो व्यूअर से क्वेश्चन पूछा था, आपको क्या ही प्रॉब्लम है? आप कह रहे हैं ना यूट्यूब, यूट्यूब तो बहुत बड़ी संस्था है सर, यूट्यूब तो आपको पता है कि अगर 12 घंटे पीछे रहता तो हार्डली मैटर्स, वो तो हो जाएगा सॉल्व, रिसॉल्व हो जाएगा इशू, आप पे थोड़ा कुछ हुआ है लेकिन सर। ये तो प्रॉब्लम क्या थी, ये नहीं तो हुआ जेबीटी क्या के जो ना, उन्होंने क्वेश्चन डाले ना सर। मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं ना कि आपका मतलब आपके वीडियो का लिंक भेज रहे हैं मुझे स्टूडेंट सारे ना, मैंने अच्छा नहीं देखा आपका वीडियो वगैरह कि आप क्या बोल रहे हो उसमें, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैं वही तो कह उन्होंने रहा हूँ, मतलब आप काफी। वही मैं कह रहा हूँ, आप ना ये क्वेश्चन करने से पहले वीडियो जरूर देखे मेरा, उसमें ना हमने व्यूअर से पूछा है कि भाई इसमें 16 है इसमें 17 है ये कैसे पॉसिबल है, दैट्स इट। ना हमने आपका वीडियो का पॉइंट आउट किया, ना हमने आपको ऐसा कुछ टारगेट किया, हम तो जनरल वे से पूछ रहे हैं, और मोर ओवर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वो जो ये जो जेपीटी वाले क्वेश्चन डल गए ना, उसका भी बहुत आग लग रहा है ऐसे तो सर। सर था यही आग, वैसे और जगह ही लगी थी, लेकिन बाद में फिर कुछ और मिल गया ना, मेरे वाला इशू मिल गया सभी को। अरे नहीं सर आप, ये तो YouTube वाला इशू हो गया ना, इसको तो आप भूल जाएं। आप कह रहे हैं आपने 17 को अपलोड किया, तो ऑब्वियसली आपने 17 को ही किया है, वी डीम इन यू, हम बिलीव करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर YouTube का है ना सर, तो बस ट्रांसपेरेंसी सारी तो है, आपको क्या ही, आप व्हाट्सएप में स्टूडेंट्स जो आप कह रहे हैं आप एक स्टोरी डाले उसमें कि भाई ये तो आप यूट्यूब नहीं पे चेक नहीं करें, दैट्स इट। मैंने तो वीडियो भी बनाया कल रात को उसका प्रूफ का, कि मोबाइल में देखो वीडियो पड़ा है, अच्छा प्रूफ का डेट वीडियो क्या बनाया है, आपने, ओके ओके। टाइम क्या है, बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा नहीं सर भी अभी सर जो वो तो आपसे यूट्यूब, मेरी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हो हाँ सके जी। तो उस वीडियो को देख लेना एक बार ना, और कौन हो से सके तो वाली अपने जो चैनल पर।
जो पहले तो अपने आपने कैमरा प्रूफ तो वाली अभी, बनाई है? हाँ, प्रूफ वाली, अच्छा कि अच्छा इसमें अच्छा मोबाइल में जो वीडियो अपलोड हुआ मतलब बनाया गया है, वो कौन सी टाइमिंग है, 17 वाली है वो, उसमें टाइमिंग। अच्छा अच्छा तो हो सके तो अपने चैनल पर वीडियो बना देना, आप रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब ताकि मैं कुछ हम जो आपकी वाली वीडियो वो शेयर कर दे एक तरह से। शेयर नहीं, आप उसमें देख लेना, अच्छे से जांच कर लेना ना कि कोई बात कितने नहीं का सर, खर्चा आएगा डेफिनेटली यस, उस वीडियो। हाँ वी आर जी, नॉट अगेंस्ट द तो सिस्टम, काफी, हम तो सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलो ठीक है सर, आपका भी, हाँ, जिम्मेदारी है आपकी भी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कुछ करें तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें यह कि शुरुआत आपके वीडियो से हो गई ना उस चीज की, अच्छा तो फिर आगे ऐसे मतलब आग फैल रही आगे आगे। हालांकि मैं इसके लिए अपना मतलब सफाई दे चुका हूँ, वीडियो आ गया मेरा जी रिसेंटली, जी चेक जी कर लेना आप ना, अच्छा जी आपको उसमें उसमें देख के आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन इसमें टोटली यूट्यूब का फॉल्ट था, लेकिन चलो बट वो यू वही तो कह रहा इसमें, हूँ सर मैं आपको, आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप कह रहे हैं हाँ यूट्यूब का हाँ फॉल्ट है तो यूट्यूब हैज बिल्कुल टू बी ब्लेम, बिल्कुल, दिस नथिंग रिलेटेड टू यू। यू गाइज आर वेरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यू हैव जस्ट डन अ जॉब फॉर द स्टूडेंट्स, और आपका तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होना भी सर, नहीं चाहिए। और क्या, बिल्कुल उल्टा आपने तो इतना सबसे पहले लोड किया, दैट्स वेरी वेरी गुड। आप कह रहे हैं आपने 1 बजे किया, हमारा तो फिर भी 3-4 बजे आया सर। बट मुझे मैसेजेस जो आ रहे हैं ना मेरे स्टूडेंट्स के, वो अच्छा कोई थोड़ा नेगेटिविटी शो कर रहे हैं आपके बात नहीं खिलाफ, सर, विल कॉप इन्होंने अप विद यू। हाँ जी हाँ जी इन्होंने शुरुआत करी आपकी डिफेमेशन की एंड सो, तो चलो आपका भी फर्ज है वीडियो हमने बनाना, सर ऐसा सच्ची कोई, बताऊं, हमने कोई डिफेमेशन वर्ड नहीं यूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। आप एक बार, अभी आपने चलो, एक्चुअली में आपने वीडियो देखा नहीं है ना, आप कह रहे हैं ना अभी, आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है? एक बार बस रिवर्ट जरूर करें कि आपको क्या मतलब चलो उस। सर, हाँ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देख लेना मेरा वीडियो ना वो वाला, और अगर आपको लगे कि हाँ एक बंदे के साथ बेइंसाफी हो रही है जगह जगह, जी 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 तो आप, तो हो सकता है कि हाँ आप चेक ये कर लेना, YouTube के और टेक्निकल ग्लिच ना सर, आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं YouTube पे बाय द वे। हाँ, वो तो मैं उसके लिए तो करूंगा ही कुछ ना नहीं कुछ। भैया ना, आप मेल भेजेंगे ना, आप YouTube आपको ना विद इन 5 आवर्स रिप्लाई कर देता सर, वी डू इट ना, तो ये YouTube ना आपको विद इन 5 आवर्स रिप्लाई कर देगा, और बस वहां से आपको शो हो जाएगा कि भाई YouTube का क्या टेक्निकल ग्लिच है। और अब बेटर ये रहेगा आप वही YouTube का रिप्लाई जो है ना वो स्क्रीनशॉट करके ना आप वो पोस्ट करें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको। चलो, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू जी मच। ठीक है सर, ओके जी, गुड डे।